हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा काफी बार होता होगा कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज, फोटो या वीडियो सेंड किया हो और आपके देखने से पहले उसने डिलीट कर दिया हो। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है जहाँ पर लिखा होता है दिस मैसेज वाज डिलीटेड। तो गाइस, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ्रेंड चाहे व्हाट्सएप के मैसेज को डिलीट भी कर देगा तो भी आप उन मैसेज को देख पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमो के भी डिलीटेड मैसेज को देख पाओगे। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्ड्स डिलीट। सर्च करते ही फ्रेंड्स, आपके सामने सबसे ऊपर एक एप्लीकेशन आ जाएगा वर्ड्स डिलीट रिकवर डिलीटेड मैसेज। आपको इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर आपको इसके कुछ पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसकी इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ एरो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देनी है। यहाँ पर आप एलो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन, लिसनर सर्विस, वर्ड्स डिलीट, नीड नोटिफिकेशन सर्विस, एक्सेस फॉर रिकवर योर डिलीटेड टेक्स्ट मैसेज, इनेबल इट नाउ। आपको यहाँ पर गो टू सेटिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वर्ड्स डिलीट के सामने टिक कर देना है, फिर यहाँ एलो करेंगे, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट द एप्लीकेशंस यू वांट टू फॉलो, वी विल सेव योर नोटिफिकेशंस एंड डिटेक्ट चेंजेस। अब आप जिस भी एप्लीकेशन के मैसेज को रिकवर करना चाहते हैं आप वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैसेंजर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट्सएप ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप और भी जितने एप्लीकेशन चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये एरो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ इसकी टिप्स शो होंगी, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसे क्लोज कर देना है। अब फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं वर्ड्स डिलीट ऐप का ये डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर चैट, स्टेटस, इमेजेस, वीडियो, वॉइस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो आपकी व्हाट्सएप की चैट होगी वो आपको यहाँ पर चैट में देखने को मिल जाएगी। जो आपके स्टेटस होंगे व्हाट्सएप के वो आपको यहाँ पर स्टेटस में शो होंगे। जितने भी इमेजेस आपके व्हाट्सएप से डिलीट होंगे वो आपके यहाँ पर इमेजेस में शो हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके वीडियोज़, वॉइस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज, फ़ोटो और एक वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड किया और उसके बाद में उन तीनों को ही डिलीट कर दिया। तो आपके सामने यह लिखा हुआ आ जाता है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। आप इनको नहीं देख पाते तो आपको सीधे बैक आ जाना है और अपने मोबाइल में वर्ड्स डिलीट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही फ्रेंड्स आपके सामने चैट में आपकी ये सारे मैसेज शो हो जाएंगे, जितने भी मैसेज डिलीट होंगे। और जो आपके फ़ोटोज़ होंगे वो आपको यहाँ इमेजेस में देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा ये इमेजेस यहाँ पर आ चुका है। और जितनी भी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होंगी वो आपको यहाँ पर वॉइस में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप व्हाट्सएप का डाटा रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको किसी अदर ऐप का डाटा रिकवर करना है तो आप यहां पर अदर्स पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जितना भी और ऐप का डाटा है जैसे ईमो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सभी आपको यहां पर शो हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने इस एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल किया है तो इसलिए मेरा यहां पर कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में जितना भी मेरा डाटा होगा वो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सारे और एप्लीकेशन का डाटा भी देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमो के भी डिलीट किए हुए मैसेज को देख पाओगे। फ्रेंड इससे पहले भी मैं और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस बना चुका हूँ, तो इस वीडियो के बाद इन वीडियोस को भी देख लेना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।